मती अनुप्रिया पाटिल। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से सरकार द्वारा पेश किए गए 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूँ। मेरी पार्टी अपना दल ने अपने स्थापना वर्ष सन 1995 से ही पार्टी संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की विचारधारा को प्रबलता से आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। और मेरी पार्टी अपना दल का ये मानना है कि जब तक पिछड़े शोषित जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में लोकतंत्र के सभी स्तंभों में, जिसमें हमारी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ तक कि मैं कहूँ तो मीडिया भी शामिल है, जब तक उसमें उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी पिछड़ी दबी कुचली जातियाँ हैं उनका पहचान का संकट भी दूर हो और उनकी गणना भी सामने आए। और ये काम राज्य सरकारों से बेहतर कौन कर सकता है? हमारे देश के कोने कोने में ऐसे तमाम जातियां हैं जो संघर्ष करती आई हैं, जो कई बार आंदोलनरत रहती हैं कि उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए, किंतु इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमारी राज्य सरकारों के हाथ बंधे हुए थे। भारत की सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को लाकर आज राज्य सरकारों को उस बंधन से मुक्त किया है और संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि अपने राज्य में निवास करने वाली ऐसी पिछड़ी जातियों की पहचान कर सके। और इससे हमारे ऐसे तमाम पिछड़ी जातियां जो अभी तक जिनको संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए था और पिछड़ों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पा रहा था, उनकी पहचान करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को मिलेगा और ऐसी तमाम पिछड़ी जातियों के साथ न्याय भी होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि तमाम सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मोदी सरकार ने निरंतर पिछड़ा वर्ग के हित में किए गए अपने निर्णयों से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति अपने संकल्पबद्धता को बार बार साबित किया है। इसी सदन के अंदर वर्षों तक ये मांग उठती रही कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यूपीए के सरकार के दौरान ये मांग उठती रही लेकिन यह सरकार बहरों की तरह व्यवहार करती रही और जो साहस यूपीए के सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया और इसी संसद के अंदर अपने पिछले कार्यकाल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करके हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कार्य किया। इस देश में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल ये वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इन स्कूलों के अंदर जो हमारे पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसका प्रवेश प्रक्रिया में लाभ दिया जाए। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय भी करके दिखाया। पिछड़े वर्ग की हमारे जो क्रीमी लेयर की आय सीमा है उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक करने का भी काम मोदी सरकार ने किया। और यदि मैं हालिया निर्णय की बात करूं तो पिछले कई वर्षों से निरंतर हमारी जो मेडिकल की नीट परीक्षा में MBBS और PG के एडमिशन्स होते हैं उसमें हर वर्ष पिछड़े वर्ग के हमारे छात्रों का, अभ्यर्थियों का हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में नीट के अंतर्गत जो हमारा OBC कोटा था वो लागू नहीं था। मांग तो वर्षों से उठ रही थी, हजारों सीटों का नुकसान भी वर्षों से हो रहा था, लेकिन अगर इसके प्रति किसी ने संवेदनशीलता दिखाई है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दिखाई है और ऑल इंडिया OBC कोटा नीट प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लागू करने का निर्णय भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ यूपीए सरकार का भी इतिहास हम खंगालें तो इसमें हमें शुरुआत में ही देखने को मिलता है कि किस प्रकार जब सबसे बड़ा निर्णय 90 के दशक में कहूं कि पहला निर्णय मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का हुआ था तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व में उसका विरोध किया था। और ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है पिछड़ों के हक में जिसे कांग्रेस की सरकार गिना सकती है। तो इसलिए जहां तक पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता का सवाल है
मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय किए हैं। आज जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, इसी दृष्टि से लाया गया है, मैं इसका स्वागत भी करती हूं। और अपनी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से मैं ये उम्मीद भी करती हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के और निर्णय सरकार करेगी। ये समय की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन आया था तो कहा था कि पिछड़ों की आबादी 54% है, लेकिन आज इतने वर्षों में पिछड़ों की असली गिनती क्या है यह पता नहीं चल पाया। देश के कोने कोने में पिछड़ी जातियों की यह मांग है कि आखिर पिछड़ी जाति की आबादी इतने वर्षों में आजादी के 70 वर्ष बाद कितनी हो चुकी है, ये हम सबको पता होना चाहिए। और ये जरूरी भी है, अगर हम तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ी जातियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में हो, तो आखिर उनकी आबादी क्या है, उनकी गिनती क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से ये उम्मीद भी यहाँ पर जाहिर करती हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, आने वाले समय में जो हमारी वर्ष 2021 में जनगणना होने जा रही है, उसमें ओबीसी की गिनती कराने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। मैं फिर दोहराऊंगी कि ये समय की आवश्यकता है, देश को इसकी जरूरत है। हमारी संख्या कितनी है ये देश की पिछड़ी जातियों को जानने का अधिकार है। जब हमारी संख्या स्पष्ट होगी तभी हम इन जातियों के साथ न्याय भी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।